subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning students, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. चलिए शुरुआत करते हैं 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट पोएम है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. व्हाट डू यू मीन बाय इट? यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं. यानी अपने आप को ख़त्म कर लेना, नुकसान उठाना. पहले देखेंगे चिट चैट में आप कैसे समझ सकते हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब क्या है. इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन? अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा? इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल यू विल फेल, यू विल नॉट सक्सीड. आप कामयाब नहीं होंगे, आप नाकाम हो जाएंगे. इफ़ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे व्हाट विल हैपन? अगर आप किसी वर्किंग डे पर लेट उठेंगे तो क्या होगा? आप स्कूल नहीं जा पाएंगे. अगर कोई सर्विस वाला है, नौकरी वाला है, तो नौकरी पर नहीं जा पाएगा. इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन? अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? यू विल बी फैट एंड हेवी. आप मोटे हो जाएंगे, हेवी हो जाएंगे और आप डिसफिगर हो जाएंगे. यानी आप शेप में नहीं रहेंगे. इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन? अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या होगा? जंक फूड ज़्यादा खाने से किडनी की बीमारी हो सकती है, दूसरे बीमारियाँ हो सकती है, रेनल फेलियर हो सकता है, उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं और दूसरे स्ट्रेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं. तो हम जंक फूड नहीं खाना चाहिए. इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स व्हाट विल हैपन? अगर आप स्कूल एक्टिविटीज़ और गेम्स में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? यू विल बी कंसिडर्ड एज अ लूज़र. आपको लूज़र समझा जाएगा, आपको कमज़ोर समझा जाएगा. यू विल कंसिडर एज अ वीक स्टूडेंट. इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर आप किसी मदद के तालिब अगर अपने दोस्त को आप भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्त से आपकी दोस्ती तो टूट जाएगी. लेट्स बिगिन. चलिए स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. डाइंग स्लोली का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझिए. डाइंग स्लोली मीन्स लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर. यानी एक खुशहाल मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो जाना. वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं, वैसी ही बात है. अब यह देखते हैं कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा. अगर हम भरपूर ज़िंदगी किस तरह जीना चाहिए हमें, तो उस चीज़ को यहाँ पर शायर ने बयान करने की कोशिश की है. इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप सफ़र नहीं करते. इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप कोई पढ़ाई नहीं करते, मुताला नहीं करते. इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, और अगर अपने अतराफ व अकनाफ की आजू बाजू के जो ज़िंदगी के दौराए है चल रहा है वो उसको सुनते नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा कि आप सही तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे. इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और अपने आप कदर नहीं करते, अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानते, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. आप अपने आप को ख़त्म करोगे, आप अपने आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाओगे. वेन यू किल योर सेल्फ इस्टीम व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इस्टीम? सेल्फ इस्टीम का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ बींग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज. सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स, खुददारी. यानी आपको अपनी सेल्फ इस्टीम की कदर करना चाहिए. वेन यू किल योर सेल्फ इस्टीम, जब आप अपनी सेल्फ इस्टीम को ख़त्म करते हैं. वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब आप दूसरों की मदद नहीं लेना चाहते, या दूसरों की मदद आप अगर नहीं लेना चाहते, और अगर आप अपने आप को दूर दूर तक के कमतर शुमार करते हो, दूसरे की दोस्ती का हाथ झटक देते हो, तो क्या होता है? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं. इफ़ यू बिकम ए स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, और अगर आप अपनी ख्याली आदतों के ग़ुलाम बन जाएंगे, अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाएंगे. स्लेव यानी ग़ुलाम, हैबिट यानी आदतें. वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, एक ही रास्ते पर बार 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 चलेंगे. एवरी डे ऑन सेम पाथ, एक ही रास्ता, एक ही जैसी ज़िंदगी गुजारना, अपने मामूल में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे. इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, यानी आप अपना रूटीन यानी अपना मामूल, ज़िंदगी का मामूल नहीं बदलेंगे.
इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप मुख्तलिफ किस्म के रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या बोले तो सफ़ेद या फिर नीला तो नीला, पीला तो पीला ही पहनते हैं, आगे बदलते नहीं हैं। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, या ये कलर के मानी होते हैं कि ज़िंदगी खुशियों को जीना, दूसरों के दुख दर्द को पहचानना और अपनी खुशियों को बांटना। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और अगर आप अजनबी लोगों से नहीं बात करेंगे, जैसे कि अक्सर अपने ही कुएं के मेंढक बने रहेंगे, दूसरों से बातचीत नहीं करेंगे, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ख़त्म कर लोगे और मरने लगोगे। यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप अपने जज्बात को जज्बात से इनकार करेंगे, शदीद जज्बात को रोक टोक करोगे, उसे जीने की कोशिश नहीं करोगे, उन जज्बात को आप अपने अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसकी क़दर नहीं करोगे। व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू अवॉइड टू फील पैशन एंड दैट टर्बुलेंट इमोशंस, टर्बुलेंट इमोशंस ऐसे जिसमें मद्दोजज़र होता है, ऐसे जज्बात जिन जज्बात में आप अपने आप को दूसरी चीज़ों से दूर रखते हो, यानी कि अनस्टेडी, मुस्तरिब, शोरिश पसंद, तो आप क्या करते हैं, इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड दैट टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक्स योर आइज ग्लिस्टन, ग्लिस्टन यानी चमक पैदा करते हैं, दमक पैदा करते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारी आँखों में चमक पैदा करते हैं, ऐसी चीज़ें, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपके दिल की धड़कनों को, जज्बात को आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, मसरत भर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप उसे नहीं समझोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाओगे, मरते जाओगे। If you do not change your life, अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलोगे, अपने तरीक़ेकार को, अपनी ज़िंदगी के रूटीन को नहीं बदलोगे, when you are not satisfied with your job, अगर आप अपने काम से, अपने पेशे से मोहब्बत नहीं करते, जिससे आपको इत्मीनान नहीं है, और with your love, या फिर आपको अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने उन्स से, अपने इश्क से आपको लगाव नहीं है, उससे मुतमईन नहीं है, If you do not risk what is safe for the uncertain, और आप अगर जोखिम नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे, आप जोखिम नहीं उठाएंगे और महफूज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, रिस्क यानी जोखिम, सेफ यानी हिफाजत, फॉर द अनसर्टन, अनसर्टन जो ऐसी चीज़ें जो गैर मुयाना है, बेयकीनी है, उसके लिए, तो जब गैर मुतय्यन, गैर यकीनी चीज़ों के लिए आप जोखिम नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे, अपने ख्वाबों की तकमील नहीं करोगे, और अच्छे कामों के लिए अपने आप को वक्फ नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट अलो योर सेल्फ, और आप अपने आप को इजाज़त नहीं दोगे कि एक बावखार ज़िंदगी जी सके, एक सेंसिबल लाइफ जी सके, इफ़ यू डू नॉट अलो योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कम अज़ कम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा टू रन अवे फ्राम सेंसिबल एडवाइस, क्या आप एक सेंसिबल, एक हसास माहौल से अपने आप को दूर रखें और अपनी ज़िंदगी खुल कर जिए, थाटफुल हैविंग गुड सेंस, सेंसिबल मीन्स थाटफुल हैविंग गुड सेंस, तो आप उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है पाब्लो नरोदा ने, सेंसिबल वाइस फुल ऑफ कॉमन सेंस। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में एक्टिविटीज़ और एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।